दोस्तों हम आज ऐसी जगह पे जाने वाले हैं जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं। अगर देखे जाएंगे तो यहाँ पे एक या दो लोग ही दिन में आते हैं। ऐसी एक नायाब चीज़ जो लोगों से अनदेखी रही है, तो चलिए दोस्तों आज इस नायाब चीज़ को हम देख लेते हैं। यह जो जगह है यह है बेड से लेनी। यह कामशेद से लगभग 9 किलोमीटर की अंतर पर है, पर लोगों को ये पता नहीं है तो इसलिए यहाँ पे कोई भी नहीं आता है। तो यह है बेडसे केव्स, बेडसे लेनी। यहाँ पे ये जो पूरी इमारत है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत संरक्षित की गई है। यहाँ पे गेट आप सामने दे सकते हैं और सूचना फलक भी दिया है और इसके बारे में इतिहास भी वहाँ पे लिखा गया है। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे आप ज़रूर आइए। निसर्ग रम्य ऐसा वातावरण यहाँ पे निर्मित है और यहाँ पे आने के बाद अलग ही सुख शांति महसूस होती है। पूरे और हरा भरा जंगल, उसमें फूलों के पौधे, मन को बहुत ही शांतता यहाँ पे प्रदान होती है, क्योंकि ये निसर्गमय वातावरण में आदमी खो सा जाता है। हमारे पूरे जो दिन में जो टेंशन होता है यहाँ पे आने के बाद आदमी रिलैक्स होता है। आप देख सकते हो ये पुरातन काल की सीढ़ियाँ है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे आने के बाद इसे रिकंस्ट्रक्ट करके बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है। यहाँ से रास्ता जाता है तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वजर द पावर और मैं श्रीहरी। तो दोस्तों हम यहाँ पे आज जो एक बुद्धिस्ट केव है बेड से लेनी, जो मावल में है पूना के नज़दीक, यहाँ पे आए हैं। तो दोस्तों ओवरऑल ये लेनी कैसी है चलिए तो देखते हैं। ये गुफाएं बौद्ध गुफाएं हैं, इसे बौद्ध गुफाएं बोल के यहाँ पे घोषित की गई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। बहुत ही सुंदर तरीके से ये गुफाएं बनाई। तो हम ये जो देख रहे हैं ये जो है कि इस गुफाओं में ये सबसे प्रथम क्रमांक की लेनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्तूप बनाने की कोशिश की गई है और ये जो जैसे कि हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में जब कोई भी केव्स बनाए जाते हैं तो पहले टेस्ट के लिए एक बनाया जाता है, तो उसी प्रकार से ये पत्थर किस प्रकार का है और इसका इस्तेमाल किस प्रकार से हो सकता है, ये टिकाऊ है या नहीं, ये देखने के लिए भी एज अ टेस्ट के ऊपर ये प्रथम लेनी यहाँ पे बनाई गई है। और यहाँ से ये बाद जो भी डिसीजन था कि यहाँ पे लेनी बनानी चाहिए वो लिया गया था। तो चलिए दोस्तों हम आगे की लेनी देखते हैं।